Planet Bollywood. दीपिका पादुकोण ने छुपाया अपना चेहरा, रणवीर सिंह ने दी धमकी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दीपिका को छुपाना पड़ा अपना चेहरा और रणवीर को देनी पड़ी धमकी। दरअसल कल रात मुंबई में हुई एक अवार्ड नाइट में दीपिका और रणवीर को करना था परफॉर्म, पर ये दोनों ही यहाँ पहुँचे करीब 2 घंटे लेट। एक ही कार में इस अवार्ड नाइट में आए ये दोनों, रणवीर दीपिका, दोनों ने ही की पूरी कोशिश कि उनकी एक भी झलक कैमरे में ना हो पाए कैप्चर, पर जूम के कैमरे से बचना नहीं है आसान। जैसे ही रणवीर दीपिका की कार बैक गेट पर पहुंची, हमारा कैमरा भी उन तक पहुंच गया और इस बात की भनक कार के अंदर बैठे रणवीर दीपिका को भी लग गई। तभी तो देखिए ना, काफी देर तक दोनों कार से उतरे ही नहीं और रणवीर के गार्ड कैमरा बंद करने की देने लगे धमकी। और जब रणवीर दीपिका को लगा कि कैमरा है बंद, तो दीपिका उतरी कार से, पर देखिए अपने सर के बालों से चेहरे को छुपाते हुए दीपिका कितनी फुर्ती से कार से निकलकर अंदर गईं। दीपिका तो चली गईं, पर रणवीर अभी तक कार में ही थे। काफी देर तक वो कार से नहीं उतरे। इनफैक्ट कार से उतरने से पहले देखिए रणवीर अपने गार्ड से कर रहे हैं कुछ कंफर्म। हमें तो लगता है कि रणवीर शायद यही कंफर्म कर रहे हैं कि दीपिका अंदर पहुंची या नहीं, या फिर जूम का कैमरा ऑन है या ऑफ। रणवीर इतना कैमरा कॉन्शियस हो रहे थे कि जब वो कार से उतरे तब भी उनका गार्ड हमसे कैमरा बंद करने के लिए उलझ रहा था। इनफैक्ट इस गार्ड ने हमारे कैमरे के लेंस को हाथ से ढकने की कोशिश भी की। पहले लाइट नहीं चलो थे, अभी लाइट चलो। आप देख सकते हैं कि रणवीर सिंह किस एंग्री अंदाज में हमको देखते हुए निकले हैं। दरअसल रणवीर दीपिका दोनों ही एयरपोर्ट से सीधे इस इवेंट पर आए थे और दोनों ही थे बिना मेकअप के। ऐसे में दीपिका और रणवीर दोनों ही नहीं चाहते थे कि बिना मेकअप के वो हों कैमरे में कैप्चर, इसीलिए जहां दीपिका अपना चेहरा छुपाते हुए कार से निकली, वहीं रणवीर गुस्से भरे अंदाज में, फहार दिखता ना। जूम मुंबई।